बुढ़ापा। जनवरी का महीना इस कड़कड़ाती सर्दी में कपड़ों के नाम पर फटे चिथड़े पहने हुए एक वृद्ध नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एल्युमिनियम का कटोरा हाथ में थामे हुए गाना गाते हुए भीख मांग रहा था। जवानी तेरा बोल बाला, बुढ़ापे तेरा मुंह काला, जवानी तेरा पेट की खातिर वह वृद्ध यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने की लालसा और पैसे की आशा में कभी कभी अपनी जवानी को याद करते हुए इधर उधर हाथ मटकाते हुए घूम भी जाता था। इस तरह के हाव भाव से वह यात्रियों का मनोरंजन भी कर रहा था। कुछ लोग चवन्नी अठन्नी कटोरे में डालकर चले जाते और कुछ लोग उसे अपने घेरे में लेकर खीसे निपोड़ते हुए मनोरंजन कर रहे थे। कुछ लोग उस वृद्ध की तरफ देख कर मुस्कुरा कर कहते, देखो बुढ़े को बुढ़ापे में भी जवानी आ रही है, डिस्को डांस कर रहा है। दूसरा कहता, क्यों रे, जब जवानी का इतना भूत तेरे ऊपर सवार है तो कोई काम क्यों नहीं कर लेता, भीख मांगते शर्म नहीं आती तुझको, बुढ़ा मजबूरी में सबकी खरी खोटी सुन लेता और मुस्कुरा देता। कौन जाने उस बेचारे पर क्या गुजरी है और किन मजबूरियों में आज वह भीख मांग कर अपने जीवन के अंतिम बोझ को ढो रहा है। बुढ़ा सभी के इन तीखे प्रहारों को सहन करते हुए कटोरी की तरफ निगाह करके सोच रहा था कि 3 रुपये तो ऊपर वाले ने दे दिए हैं, 2 रुपये की ऊपर वाला और कृपा कर दे तो दाल चावल खाकर अपने वही पुराने फुटपाथ पर सोया जाए जहां पर उसके और चिथड़े कपड़े पड़े हुए हैं। तभी पुलिस के 2 सिपाहियों की तेज आवाज व गालियों ने उसका ध्यान तोड़ दिया। क्यों रे बुढ़े, तुझको कल भी मना किया था किस स्टेशन पर दिखाई न पड़ना, भीख मांगना कानूनी अपराध है, फिर भी तू नहीं माना हरामजादे, चल अभी तुझे हवालत में बंद किए देता हूँ, जब हवालात की हवा खानी पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा कि भीख मांगना कानूनी अपराध ही नहीं जुर्म भी है। अरे भाई गालियां क्यों देते हो, कुछ उम्र का भी तो ख्याल करो, आप पुलिस वाले हो तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी तो पुलिस अफसर है। बुढ़े ने यह सब एक सांस में कह दिया। हा हा हा, पुलिस अफसर का बाप है कहता है मेरी उम्र का ख्याल करो, जब उम्र का इतना ही ख्याल है तो भीख क्यों मांगता है, चल अभी पुलिस अफसर का बाप बनने का नशा उतार देते हैं तेरे ऊपर से, शराबी कहीं का, शराब पीते ही पुलिस अफसर का बाप समझने लगा अपने आप को। यह बड़बड़ाते हुए बुड्ढे को धक्का मारते हुए ले आए कोतवाली में। दीवान जी साहब कहाँ है, यह बुड्ढा बार बार मना करने पर भी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है, साहब के आदेश है कि शहर में कोई भिखारी भीख मांगता हुआ ना दिखाई पड़े। यह कहता है कि पुलिस अफसर का बाप हूँ, साहब तो घर जा चुके हैं, फिलहाल इसे हवालात में बंद कर दो, सुबह साहब के सामने पेश करेंगे और हवलदार से कह दो कड़ी निगरानी रखे इसके ऊपर, कहीं निकल कर भाग ना जाए बुढ़ा, बड़ा खुसट दिखाई पड़ता है। रात भर बेचारा बुढ़ा अपने बुढ़ापे को कोसता रहा, मारे भूख के नींद भी नहीं आई, जो कुछ पैसे भीख में मिले थे वह पुलिस वालों ने हड़प लिए, रात भर अपनी जवानी के सपनों में खोया रहा। क्या जमाना था, जो चाहता था वह कर लेता था, जो मन में आता था वह खाता था, जहाँ चाहता था वहाँ सोता था, सब लोग इज्जत करते थे, सम्मान देते थे, बच्चे भी प्यार करते थे, क्या इज्जत थी जवानी में मेरी, बुढ़ापा तो नरक है, आखिर बुढ़ापा आने से पहले ही व्यक्ति को भगवान उठा क्यों नहीं लेता, क्यों उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, जवानी बुढ़ापे में कितना अंतर होता है, उतना अंतर जितना कि जमीन और आसमान में होता है, स्वर्ग नरक में होता है। फिर वह वृद्ध यह सब सपने देखते देखते फिर वही पंक्ति गाने लगा, जवानी तेरा बोल बाला, बुढ़ापे तेरा मुंह काला। सिपाही की तेज आवाज ने पुनः बुढ़े के स्वप्न संसार को उजाड़ दिया। क्यों रे अब भी होश में नहीं आया, रात भर हवालात में बंद रहा फिर भी जवानी याद आ रही है तुझे, चल साहब के सामने। साहब आ गए हैं, साहब यह वही बुढ़ा है जो हम सबके नाक में दम किए हुए है, बार बार मना करने पर भी बाज नहीं आता है, निगाह बचते ही आ जाता है स्टेशन पर और भीख मांग कर कानून का उल्लंघन करता है। पुलिस इंस्पेक्टर श्री सिंह ने बड़े गौर से उस वृद्ध की तरफ निहारा और बीते दिनों के याद में खो गए, सोचने लगे कि अगर पिताजी जीवित होते तो उनकी लगभग यही उम्र होती, तब मैं उनकी खूब सेवा करता, खूब इज्जत करता, मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखता, लेकिन मेरे भाग्य में पिता का प्यार था ही कहाँ, मुझे तो वह 3 वर्ष की आयु में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए और जवान होते होते माँ भी स्वर्ग सिधार गई,
बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके माँ बाप का साया उनके ऊपर होता है। सोचते सोचते इंस्पेक्टर सिंह की आंखें गीली हो गईं। रूमाल से आंसू पोंछते हुए वह उस वृद्ध से बोले, क्या नाम है अंकल आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप जानते नहीं कि भीख मांगना एक कानूनी अपराध है और कमिश्नर साहब के सख्त आदेश हैं कि शहर में कोई भी व्यक्ति भीख मांगता ना दिखाई पड़े। फिर भी आप भीख क्यों मांगते हैं? यह इंस्पेक्टर सिंह एक ही सांस में कह गए। इन सम्मानित शब्दों को सुनकर वृद्ध के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक पुलिस इंस्पेक्टर कुर्सी पर सामने बैठा कर इज्जत से बात कर रहा है, यह देखकर वृद्ध का हृदय गदगद हो गया और अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, क्या बताऊं बेटा, ओह गलती हो गई साहब, मैं आपको बेटा कह गया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई बेटा इस संसार में नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, सब स्वार्थी है, सब मतलबी है, दुनिया स्वार्थमय है इंस्पेक्टर साहब, और आपका कानून भी भीख मांगने की अनुमति नहीं देता है। यह कहकर बुड्ढा फफक फफक कर रो पड़ा। नहीं नहीं अंकल, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप मेरे पिताजी के समान हैं, आपने बेटा कहकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि आपका बेटा कहना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब आप अपने बारे में बताइए जो मैंने आपसे पूछा है। इंस्पेक्टर बोला, क्या बताऊं बेटा, जब तुम इतने प्यार और सम्मान से पूछ ही रहे हो तो बताए देता हूँ, वरना इस दुनिया का खून सफेद हो चुका है, कुछ भी बताने से फायदा नहीं है। मेरा नाम राम भरोसे है, मथुरा का रहने वाला हूँ। 40 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान था, मेहनत और खून पसीने की कमाई से अपना व बीवी बच्चों का पेट पालता था। 2 बेटे व पत्नी का छोटा सा परिवार था मेरा। दिन भर व रात भर उसी धुन में लगा रहता कि यह दोनों बेटे पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होकर मेरा सभी दुख दर्द दूर कर देंगे। ऐसा सोचकर मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने में जुट गया। सोचा था कि जब यह बड़े अफसर बन जाएंगे तब क्या कमी रहेगी मेरे लिए, भरी जवानी में आराम न सही तो बुढ़ापे में तो आराम मिलेगा ही। बस इसी आशा में अपने शरीर की हड्डियों को पीसता रहा, खून पसीना बहाता रहा। बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं जिनका बहादुरी से सामना किया। कई कई दिन भूखों रहना पड़ा, किंतु बच्चों को पता न चलने दिया कि किन हालातों में उनको पाल पोस रहा हूँ। खुद नहीं खाया किंतु बेटों को खिलाया, खुद कपड़े नहीं पहने लेकिन बेटों को कपड़े पहनाए, दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। दोनों बेटे बड़े हुए, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा बड़ा बेटा पुलिस अधिकारी हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, मन ही मन भगवान का आभार व्यक्त किया कि हे ईश्वर, तूने मेरे परिश्रम को सफल कर दिया। इसी बीच मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़ गई, बस इसी में मेरा शरीर आधा रह गया, अब उतनी मेहनत नहीं कर पाया। कुछ बुढ़ापे के हाथ भी मेरी ओर बढ़ रहे थे, छोटा बेटा अधिक ना पढ़ सका लेकिन वह भी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हो गया। दोनों की शादियां हो गई, दोनों बेटों ने अपने अपने घर बसा लिए। मैंने भी संतोष की सांस ली कि अब मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, अब आराम करूंगा। लेकिन किस्मत में आराम कहाँ, कुछ दिन बड़े लड़के के पास रहा तो वह ठहरा पुलिस अफसर। जो भी उससे मिलने वाले आते तो वह मेरा परिचय देता कि यह मेरे गांव में बेचारे अकेले रहते थे, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आया, अब यह मेरे ही पास रहते हैं। मैं यह सुन सुनकर तंग आ गया था और मेरा दम घुटने लगा था। अब मैं उसके घर में 1 मिनट भी रुकना नहीं चाह रहा था, सो परेशान होकर छोटे बेटे के पास आ गया। वहां आते ही छोटी बहू के उल्हाने सुनने को मिले। बड़ा बेटा बड़े लाड़ प्यार से पाला था, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था उसे, सारी कमाई उसी की पढ़ाई पर खर्च कर दी और इनसे कहा कि बेटा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम नौकरी कर लो। केवल 10वीं क्लास तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था इन्हें, अब क्यों नहीं रहते अपने उस लाडले बेटे के पास। यह सब मुझे सुबह शाम दोनों वक्त समय से सुनने को मिलते थे। मेरी थाली में पहले कटु शब्द परोसे जाते थे, बाद में बचा खुचा खाना थाली में ऊपर से डाल दिया जाता था। बस बेटा यह अपमान का घूंट मैं ज्यादा दिन पी न सका, सो बिन बताए घर से निकल पड़ा, जिधर पैर ले गए चलता गया। भूख लगी तो मांग कर खा लिया, नींद आई सो फुटपाथ पर सो गया। अब बुढ़ापा है बेटा, संसार में जीवित रहना है तो जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही है, बस इसीलिए भीख मांगता हूँ इंस्पेक्टर साहब, कल रात से खाना भी नसीब नहीं हुआ। कह दो अपने कानून से वह मुझे बंद कर दें किसी जेल में। ऐसा कहकर वह बुढ़ा फफक फफक कर रोने लगा।
यह करुण कहानी सुनकर इंस्पेक्टर सिंह की आंखों में पुनः आंसू बहने लगे। उठकर बोले, आज से आप मेरे पिता समान हैं, अब आप सदैव मेरे साथ ही रहेंगे। आज से आप मांग कर नहीं बल्कि दूसरे ऐसे बेसहारा लोगों को खाना खिलाकर ही खुद खाना खाएंगे। यह सुनकर उस वृद्ध का गला रुंध गया और रुंधे हुए गले से बोला, बेटे, अगर तुम जैसे सपूत बेटे समाज में सभी हो जाएं, तो भिखारी और मुझ जैसे असहाय लोग देखने को ही नहीं मिलेंगे। फिर किसी पुलिस वाले को किसी भिखारी को हवालात में बंद नहीं करना पड़ेगा। यह बुढ़ापा एक अभिशाप न बनकर वरदान बन जाएगा। मेरे बेटे, आज के वर्तमान युग में तुम जैसे सपूत बेटों की ही आवश्यकता है। धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे सपूत को जन्म दिया है। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर व वृद्ध दोनों गले मिलकर रोने लगे। यह दृश्य देखकर अन्य पुलिस वालों की आंखें डबडबा आईं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।